आवाम की झुकी कमर के लिए टैक्सों का नया बोझ तैयार। महंगाई के मारों पर मजीद 100 अरब के टैक्स लगेंगे। माली साल 2024-25 के बजट में टैक्स शामिल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्साइज बीआरए के टैक्स हजम के अहदाफ बढ़ाए जाएंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिशात हुकूमत को पेश। लाहौर के अराकीनी असेंबली की लॉटरी निकल आई। 108 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट मुख्तस। तरक्याती बजट में मजीद 70 अरब रुपए का इजाफा। फंड 3 साल के दौरान मिलेंगे। डीसी लाहौर मजीद तरक्याती स्कीमों की निशानदेही करेंगी। रवां माली साल में 38 अरब दिए गए। जेलों में भिखारियों के लिए बैरिक्स मुख्तस करने का फैसला। भिखारी माफिया को जेल की हवा खाना पड़ेगी। सेक्रेटरी होम नूरुल अमीन मिंगल की जेलों में मुलाकातियों के कमरों को आलमी मायार के मुताबिक बनाने की हिदायत। दूध के नाम पर सफेद जहर की सप्लाई। लाशें महफूज करने वाले केमिकल का इस्तेमाल। खाद सर्फ साबुन की मौजूदगी का भी इंकशाफ। 50 मुकामात से लिए गए दूध के नमूनों ने आंखें खोल दी। एलुमिनियम सल्फेट और कास्टिक सोडा समेत दिगर केमिकल्स के शवाहिद मिले। सिटी 42 दस्तावेजात ढूंढ लाया। शहर में रोजाना 12 से 13 लाख लीटर दूध की सप्लाई। चेकअप के बाद मिलावटी दूध की शरह 0.5% रह गई। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं फूड अथॉरिटी के आइन में तब्दीली लाएंगे। मिलावट को नाकाबिले जमानत जुर्म बनाएंगे। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में लड़ाई। एमएस डॉक्टर याहिया का मरीज के लवाहेगीन से झगड़ा। तह कलामी के बाद नौबत हाथा पायदा खाई। डॉक्टर ने एमएस की मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। डॉक्टर याहिया कहते हैं व्हाइट कोट पहने एक शख्स को रोका जिसके भाई ने मारा, मैं तो दफा में आगे बढ़ा। कड़कती धूप ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पसीने से बुरा हाल, शहरियों का जीना हुआ मुहाल। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां कौन लगाएगा? अखराजात कहां से आएंगे? स्टेक होल्डर्स ने अखराजात से साफ इनकार कर दिया। इंतजामिया से गारंटी तलब कर ली। जिले इंतजामिया 30 करोड़ का बजट जारी करेगी। जिले इंतजामिया ने नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत मंडियां लगाने का ऐलान किया था। ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड ना हुआ। शहरी 7 रोज बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ख्वार। लाइसेंसिंग सेंटर्स और ड्राइविंग स्कूल्स में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात। लर्नर फ्रेश और रिन्यूअल लाइसेंस भी नहीं बन रहे। छब्बीस बैंकों के नाम रजिस्टर्ड। 18,760 गाड़ियां नादहिंदा। लाहौर में 3.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा नहीं हुआ। महकमा एक्साइज से हतमी नोटिस जारी। 7 दिन की मोहलत। बैंकों को सरबा मोहर। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मंसूख होगी। मैकलोड रोड पर एपका लाहौर डिवीजन की एहतजाजी रैली। जालिमाना महंगाई लीव इनकैशमेंट के कानून में तरमीम के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सराब एहतजाज। पंजाब असेंबली के सामने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी। योम तकबीर की छुट्टी महंगी पड़ गई। लेस्को के लाखों सार्फीन को जुर्माने। 28 मई के मुकर्रा तारीख गुजरने के बाद बिजली के बिलों पर जुर्माना लागू हो गया। सार्फीन की बड़ी तादाद रिलीफ के लिए लेस्को दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। मिस्री शाह के इलाही पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। कॉलेज रोड से मुतसिल मादरे मिल्लत रोड का ग्रीन बेल्ट भी तबाह हाल का शिकार। बानी पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमात का फैसला चैलेंज। विफाकी काबीना के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रजू। पंजाब हुकूमत होम सेक्रेटरी IG विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमात का फैसला चैलेंज। फवाद चौधरी की मुकदमात में वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील ना देने के खिलाफ दरख्वास्त से मंजूर। हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए 6 जजेस के नामों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा और उमर हाशिम की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। गंदम स्कैंडल केस पासो के 3 अफसरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तफाक। हुकूमत आवाम को मुफ्त अद्वियात और इलाज मुआवजे की सहूलत मजीद बेहतर करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस करने पर इत्तफाक। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज से यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के वफ़ की मुलाकात। पंजाब की बढ़ती आबादी दस्तियाब वसाइल पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ने कहा तेजी से बढ़ती आबादी से निमटने के लिए हुकूमत सरगर्म अमल है। स्पीकर पंजाब असेंबली से साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर की मुलाकात। राजा फारूक हैदर ने असेंबली चैम्बर में मुलाकात की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने कश्मीरियों की तरक्की के लिए राजा फारूक हैदर की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मुलाकात। मायार तालीम की बेहतरी समेत दिगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से सनतकार जलालुद्दीन रूमी भी मिले। तालीम मईशत समेत दिगर अमूर पर बातचीत की गई। वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान की लाहौर चैम्बर आमद। मुकामी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। सनअत और तजारत के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कारोबारी बरादरी चैम्बर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुआशी बहाली के लिए बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तजावीज पेश की गई। सूबाई वजीर शाफे हुसैन का एप्टमा ऑफिस का दौरा। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद से मुलाकात। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज के गारमेंट सिटी प्लान पर तबादला ख्याल। गारमेंट सिटी के क्याम से मुतालिक कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी चौधरी शाफे हुसैन से इजलास की सदारत की। गारमेंट सिटी में सोलर एनर्जी के लिए रूफ टॉप एरिया को इस्तेमाल में लाने की तजवीज पर गौर। वजीर बल्दियात जिशान रफी के ज़ेरे सदारत इजलास। बल्दियाती कानून की सिफारशात की तैयारी पर बातचीत। एम पी ए गजाली सलीम भट्ट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट स्पेशल सेक्रेटरी समेत दिगर शख्स शरीक थी। एमएनए राणा मुबशर की बागड़िया में खुली कचहरी। एम पी ए मियाँ इमरान जावेद राशिद बिन हास की हमरा थी। अर्क ने असेंबली ने हल्के के अवाम के मसाइल सुने। डॉक्टर लियाकत गुलाम मुस्तफ़ा उमर हया जोया समेत दिगर शख्सियात भी मौजूद थी। प्राइवेट स्कूल्स में समर कैंप लगाने का ग्रीन सिग्नल। एजुकेशन अथॉरिटी को प्राइवेट स्कूल्स के इम्तिहानात में मुदाखलत से रोक दिया गया। सूबाई वजीर तालीम राणा सिकंदर हयात से प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। काजी नईम अंजुम ने वक्त की क्यादत की। टीचिंग अस्पतालों में पैरामेडिक्स की भर्ती का फैसला। नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए पैरामेडिक्स की भर्ती होगी। ग्रेड 5 से 15 तक भर्ती के लिए इम्तिहान में 50% नंबर हासिल करना लाजिम करार। रिजल्ट की बुनियाद पर इंटरव्यू होंगे। यूनिवर्सिटीज की ग्रांट 65 से कम करके 25 अरब करने का फैसला मुस्तरद। यूनिवर्सिटीज अकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन कल मुल्कभर की यूनिवर्सिटीज में फैसले के खिलाफ योम सियाह मनाएगी। इकदाम असातिज़ा और मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। गैर हाजिरी पर तुलबा को भारी जुर्माने नहीं किए जा सकते। यूएचएस ने मेडिकल कॉलेजेस को रोक दिया। यूएचएस की अकेडमिक काउंसिल के 37वें इजलास में अहम फैसले। वीसी प्रोफेसर एहसन राठौर ने कहा सेमेस्टर फीस करवाने पर इम्तिहानात मुंजमद नहीं होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतायज कब आएंगे। ताहाल नतायज की तारीखों का हतमी फैसला ना किया जा सका। ताहाल पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास तलब ना किया जा सका। बोर्ड हुकाम के मुताबिक पीबीसीसी का इजलास आइंदा हफ्ते मुनाकिद किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वसीमा उमर का इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। मौसम की शिद्दत के पेश नजर तलबा को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत जारी की।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के तहत कॉन्फ्रेंस, कलीदी शोबों की शिनाख्त, मार्केट तज्जिया, मौके और चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। आईकेप के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने पीसी होटल में कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। फारूक रहमान, जिशान एजाज, फवाद हयात समेत दीगर शख्सियात। LPG की कीमत में 80 रुपए कमी की तब्दील। लाहौर समेत मुल्क भर में LPG 210 से 220 रुपए किलो बेची जा रही है। चेयरमैन LPG मार्केटिंग कंपनीज फारूक इफ्तिखार ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। नुहारी होल सेल मेडिसिन मार्केट के ताजरों की हल्फ बरदारी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने अहदेदारान से हलफ लिया। शहजाद खान ने सदर, राना मोहम्मद हुसैन ने सीनियर नायब सदर और फैसल रफाकत ने नायब सदर का हलफ उठाया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वफ़ की PDMA ऑफिस आमद। जायका वफ़ ने PDMA कंट्रोल रूम का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने PDMA की वर्किंग बारे आगाह किया। सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कौथम कॉलेज का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौथम मियां शाहिद महमूद ने इदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, आखिर रोज उनवान एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तालीम था। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, डॉक्टर आमिर हाशमी समेत दिगर शख्सियात की शिरकत। पंजाब वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांटेदार मुकाबला। फैसलाबाद की टीम ने साहिवाल को हरा दिया। फतह के साथ फाइनल के लिए टिकट भी पक्का करवा लाया। साहिवाल डिवीजन की टीम को 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सलमान खान अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट अवामी बैरिंग अकेडमी ने एस ब्लॉक को 6 विकेटों से हरा दिया। एस ब्लॉक क्लब ने 148 रन बनाए। अवामी बैरिंग की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया।